फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम कवर करेंगे हमारा जो भी मेन पॉइंट है एक टाउन प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारी साइकिल देख रहे हो, ये वन बाय वन जो डायग्राम देख रहे हो आप, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक वर्किंग के लिए। ओके, तो वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमारा पूरा प्रोसेस कैसा कंप्लीशन होता है, कंप्लीशन करने में कौन कौन से स्टेजेस होती है, उसके बारे में हम आज डिटेल में देखने वाले हैं गाइस। ओके, तो ये आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग डिज़ाइन प्लानिंग का बुक है हमारा, टाउन प्लानिंग एंड लीगल एस्पेक्ट। जो भी टाउन प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं गाइस। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंडिंग तक देखना, क्योंकि एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ जो कि ड्राइंग के बारे में, बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में, कौन से प्लान में कौन से स्केल यूज़ होती है उसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले गाइज, मगर एंडिंग में। तब तक के लिए वीडियो को एंडिंग तक देखना गाइज, मिस मत करना वीडियो को, क्योंकि हर एक प्लान के लिए आपको हर एक स्केल जो होता है वो अलग होता है। ओके, उसके ऊपर आपको उसके डायमेंशन भी चेंजेस होती है। उसके बाद हम डिटेल प्लान एलिवेशन सेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे गाइज एंडिंग में। तो शॉर्टकट में बताऊंगा मैं एंडिंग में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर आपको लाइन प्लान बनाना हो तो कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, कौन कौन से ड्राइंग आपको यूज़ करने चाहिए, आनी चाहिए। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना गाइज। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी हमारे वर्किंग में जो भी म्यूनसिपल बॉडीज़ होती है, डिपार्टमेंट्स होते हैं टाउन प्लानिंग के, उनमें जो टुगेदर वर्क किया तो ही आपको बेटर सर्विस मिल सकती है। ओके, पहले टॉप पे आता है हमारे सिटी इंजीनियर्स, उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके बाद डिप्यूटी इंजीनियर। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिकल और सिविल दोनों में आपको पता है। ओके, इलेक्ट्रिकल में आता है इलेक्ट्रिकल और उसके बाद ड्राफ्टमैन, उसके बाद इलेक्ट्रिकल में ड्राइवर, असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल सुपरिटेंडेंट। ओके, उसके बाद जेई में आता है जूनियर इंजीनियर, सिविल में वाटर सप्लाई और रोड और ड्रेनेजेस। ये सारी साइकिल है गाइस जो कि इम्पोर्टेंट वन बाय वन हम देखने जा रहे हैं। ओके, जिसका वर्किंग हम एक्सप्लेन करेंगे इसमें, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें गाइस वो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। ओके, इस साइकिल में पहले तो जब वर्क ऑर्डर निकलता है, वर्क डन आपको उसके बाद मिलेगा, वर्क ऑर्डर निकलता है तब सिविल इंजीनियर साइट इंजीनियर बाद में लगेंगे। उसके पहले आपको वर्क का जो भी एस्टिमेशन है वो निकालना पड़ेगा। अगर कोई इलेक्ट्रिकल का वर्क हो या फिर रोड वर्क हो, सिविल के रिलेटेड कोई डैम का वर्क हो या फिर कोई भी अपना जो भी कमर्शियल वर्क रेसिडेंशियल हमारा माड़ा जैसा वर्क हो या फिर जो भी हमारे सिविल के रिलेटेड वर्क हुए, डैम के रिलेटेड, रस्ते के रिलेटेड, इंडस्ट्रियल वर्किंग होता है, बहुत सारी वर्किंग होती है सिविल में। तो ये सारी वर्किंग निकालने के पहले आपको परमिशन ली जाती है, वो उसका वर्क टेंडर निकाला जाता है, उसकी बिड होती है। ओके, तो उसके लिए आपको चाहिए ई टेंडरिंग पहले। ओके, उसका ई टेंडरिंग निकलता है, टेंडर निकलता है। ओके, टेंडर इज़ वन ऑफ बेस्ट थिंग। ओके, अभी पहले जैसा वो ब्राइब्स वगैरह नहीं चलते। ओके, करप्शन नहीं चलता पहले जैसा। ओके, तो ई टेंडरिंग पे आपको जो ई टेंडर मिलता है उसके ऊपर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको टेंडर मिलेगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा। ओके, तो ई टेंडरिंग के ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, टेंडरिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी आपको। तो वन बाय वन आपको ई टेंडर निकल करने के बाद जो भी प्रोसेस होता है वो इम्पोर्टेंट है, जिसकी साइकिल होती है, जिसके तरफ कौन सा वर्किंग होता है वो टुगेदर एक साथ किया तो ही कंप्लीशन अच्छा होता है, सर्विस अच्छी मिलती है। इसमें जो आता है जूनियर सिविल इंजीनियर के साइड में वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल वर्क्स हो गए, फिल्टर्स हो गए, टैप इंस्पेक्टर हो गए, ड्राइवर्स, ओवरहेड वॉचमैन, ओवरहेड टैंक वॉचमैन, असिस्टेंट में हमारे
आते पंपिंग स्टेशन वॉचमैन, सिल्ट बकेट ड्राइवर्स, क्लीनर्स, तो ये सारी वाटर सप्लाई में आते हैं गाइस। ओके, जो भी क्लीनर्स हैं हमारे, उसके ड्राइवर्स, टैप इंस्पेक्टर, फिल्टर, इलेक्ट्रिकल वर्कर, जो भी लाइटिंग का ऑन ऑफ सप्लाई करते हैं। उसके बाद असिस्टेंट में आते हैं हमारे पंपिंग स्टेशन के जो भी वॉचमैन हैं, जो उसकी देख रेख करते हैं, उसके केयरिंग करते हैं उसकी। उसके बाद एंडिंग में आता है क्लीनर, जो भी हमारी क्लीनिंग रखते हैं वाटर सप्लाई में, वो भी इम्पोर्टेंट से गाइज। तो अगर आपका टाउन प्लानिंग में अच्छे वर्किंग चाहिए, तो ये सारे साइकिल्स आपको पता होने चाहिए कौन सी होती हैं। इसमें रोड और ड्रेनेजेस में आते हैं हमारे कॉन्ट्रेक्टर वर्कर्स, उसके साइड में चीफ मिस्त्री, मिस्त्री ड्राइवर्स, क्लीनर्स, ये सारे वर्किंग में आते हैं, तभी अपना टाउन है जो अच्छा दिखता है गाइस। ओके, टाउन का कंप्लीशन यही लोग करते, सभी देखभाल यही करते, जूनियर इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इनका वर्किंग होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज इनकी बहुत सारी होती है गाइज। ओके, तो ये सारी साइकिल है गाइज। ओके, एक बार देख लीजिए गाइज, एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर, ये भी सारे पॉइंट आपको आने चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी जो भी टाउन प्लानिंग के डेवलपमेंट में। ओके, उसके बाद है गाइज डेवलपमेंट प्लान, DP, यानी कि मास्टर प्लान। ओके, डेवलपमेंट प्लान एंड मास्टर प्लान, इसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले आने वाले वीडियोस में। ओके, तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। ओके, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पर देख सकते हो आप, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है गाइस। ओके, अगर आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारी अपडेट वहाँ पर मिलती है जो आपके रिलेटेड, आपके स्टडी के रिलेटेड, तो वो ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइज। ओके, सिविल डिज़ाइंस। ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड उसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं आर्किटेक्चर के, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन बार चार्ट में। ये जो चार्ट देख रहे हो, इसका हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, उसमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए इम्पोर्टेंट होती है एक आर्किटेक्चर प्लानिंग में, कौन कौन से पॉइंट है वो ध्यान में रखने चाहिए, इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके बारे में हम आज डिटेल में देखने वाले हैं गाइस। ओके, एस्थेटिक लुक हो, उसकी प्लानिंग यूटिलिटी हो, तो उसके बारे में आपको पता होने चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें एक सिविल इंजीनियर के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो आर्किटेक्चर प्लानिंग में इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स है, यहाँ पर देख सकते हो, आज आपके प्रिंसिपल्स में तीन इम्पोर्टेंट है, एक तो फंक्शंस, उसके बाद फॉर्म, उसके बाद एस्थेटिक्स। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है, पहले तो रिक्वायरमेंट क्या है ओनर और क्लाइंट की, वो पता होनी चाहिए, उसका बजट कितना है, उसके साइट की लोकेशन क्या है, उसकी जो भी बिल्डिंग लोअर्स एंड बिल्डिंग रॉ, उस एरिया में आपके जो भी सिटी है, मेट्रो सिटी है, उसके जो भी बिल्डिंग रूल्स है, बाय लॉज है, वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद कितने पर्सन है उसके फैमिली में, कितने रहने वाले, उस जो भी हम घर बना रहे हो, तो उसके लिए कितने फैमिली में पर्सन है वो आपको जानना चाहिए। उसके बाद रूमिनेस, फ्लेक्जीनेस, सैनिटेशन है कि वहाँ पर वाटर सप्लाई है क्या नहीं, वो भी आपको जानना है वहाँ पर। उसके बाद एक साइट इंजीनियर को, एक आर्किटेक्चर को, ये सारी प्लानिंग के साथ साथ ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसमें जो आता है प्रिंसिपल्स में, फंक्शंस, फॉर्म्स एंड एस्थेटिक्स। उसमें फंक्शंस में आता है गाइज साइट, उसका लोकेशन, उसका बजट, उसके जो भी मेट्रो सिटीज, सिटीज़ में जो भी बिल्डिंग्स लॉ रूल्स है, बायर लॉजेस, उसके बाद जो भी आपकी रूमिनेस, फ्लेक्जीनेस, लाइटिंग, वेंटिलेशन चाहिए वो पूरे पूरे है कि नहीं, उसके बाद एयर कंडीशनिंग, उसके बाद ग्रुपिंग, सर्कुलेशन, एस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, प्राइवेसी,
ये सारे आपको मेंटेन करना है प्लान में। ओके, जब आप प्लान बनाते हो तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इन बैक ऑफ माइंड ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ही प्लान आप अच्छी तरह से बना सकते हो गाइस। उसके बाद मेन जो फैक्ट है हमारा, उसके स्केच प्लान या फिर लेआउट प्लान तो कंपलसरी चाहिए। उसके बाद जो भी अप्रूवल्स फ्रॉम ओनर्स एंड सैंक्शनिंग अथॉरिटी, यानी कि आपको योनोसी चाहिए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए हर एक चीज़ के लिए। ओके, तो योनोसी आपको आर्किटेक्चर की देता है गाइस। आर्किटेक्चर का मेन फंक्शन है योनोसी और अप्रूवल प्रोवाइड करना, उसका स्केच प्लान बनाना, लेआउट प्लान बनाना। ओके, रूम में जो भी ग्रुपिने से या फिर रूमिने से उस एयर कंडीशनिंग, लाइटिंग, वेंटिलेशन प्रोवाइड करना, फ्लेक्सिबल सैनिटेशन एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायोलॉजी, ये आपको आर्किटेक्चर को प्रोवाइड करना रहता है गाइस। ओके, जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है ये सारे यहाँ पर देख सकते हो आप। तो फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हो आज, ये हमारा प्लानिंग, डिज़ाइन एंड सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग के टर्म्स में जो जो फैक्ट है, जो जो नॉलेज है, बेसिक पॉइंट्स है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ गाइस। इस ऐसा नहीं कि सारा बुक्स में पढ़ने वाला हूँ। ओके, जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, इम्पोर्टेंट आपके लिए एक साइट इंजीनियर को पता होना चाहिए, वही मैं डिस्कस करने वाला हूँ और शॉर्टकट में बताने वाला हूँ, इजी वे में आपको बताने वाला हूँ गाइस। उसके बाद जो भी फॉर्म्स में आपके जो भी स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस, उसके टू रेजिस्ट फॉर्म्स ऑन विंड, रेन एंड अर्थक्वेक, तो स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस भी होना चाहिए फॉर्म्स ऑन रेन, अर्थक्वेक, क्लाइमेटिक चेंज हो तो वो आपको रेजिस्टेंस करना चाहिए स्ट्रक्चर। सेफली आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए सेफ। ओके, तो एक आर्किटेक्चर को, एक सिविल इंजीनियर को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको प्लान तो मिल जाएगा, लेआउट प्लान मिल जाएगा, उसके साथ साथ उसके जो भी मटेरियल से, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो जो टेक्निक इस्तेमाल करने वाले हो आप, उसके बाद इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल है कि नहीं वो भी आपको देखना पड़ेगा। ओके, जो फॉर्म से इसमें आप जो भी मेथड ऑफ टेक्निक ऑफ कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर अभी तो एलो फॉर्म का कंस्ट्रक्शन चलता है, जो भी बिल्डर से रियल इस्टेट में, वो एलो फॉर्म यानी कि MIVAN में कंस्ट्रक्शन चालू है अभी। ओके, MIVAN, तो MIVAN भी बोलते हैं, MIVAN भी बोलते हैं उसको, तो एलो फॉर्म का कंस्ट्रक्शन है, न्यू टेक्निक है अभी फिलहाल। तो एक सिविल इंजीनियर को, एक आर्किटेक्चर को, एक इंटीरियर डिज़ाइन को अपडेट रहना पड़ता है गाइस। हर एक टेक्निक है, नई नई जो मार्केट में टेक्निक्स आती है, नए नए मेथड्स आते हैं, उसके साथ साथ आपको डेवलप करना पड़ता है आपको अपना नॉलेज। ओके, अभी जो आ रही है MIVAN, ये MIVAN, ये MIVAN, उसमें जो एलो फॉर्म का यूज़ किया जाता है, सिर्फ उसको जो ब्रिक वॉल कर रहे थे हमारी, वो ब्रिक्स से नहीं बनती, वो सीधा कॉन्क्रीटिंग से करती है। वहाँ पर भी ईजी है, बहुत फास्ट कंस्ट्रक्शन है। ओके, बहुत फास्ट वे में कंस्ट्रक्शन होता है MIVAN का। तो ये अपडेटेड नॉलेज आपको पता होना चाहिए, जो कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें चल रही है, और उसका भी नॉलेज आपको पता होना चाहिए, एक आर्किटेक्चर को, एक सिविल इंजीनियर को, एक साइट इंजीनियर को। उसके बाद जो भी आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल है, उसका मेन पॉइंट है एस्थेटिक, एस्थेटिक लुकिंग में भी होना चाहिए। उसके बाद नेचर, एनवायरमेंट, यूनिटी, कॉन्ट्रास्ट, प्रोपोर्शन, स्केल, एक्सप्रेशन, कैरेक्टर ऑफ बिल्डिंग, इंटीरियर डिज़ाइन, कलर, लैंडस्केप आर्किटेक्ट, तो हर एक पॉइंट पे एक एक वीडियो बन सकता है गाइस। एक एक वीडियो यानी कि नेचर, एनवायरमेंट, यूनिटी, यूनिटी में आप देख सकते हो हर एक जो भी हमारा रूम है, बेडरूम है, किचन है, हॉल है, लिविंग है, उसका यूनिटी होना चाहिए। उसके बाद कंट्रास्ट प्रोपोर्शन में होना चाहिए हर एक रूम साइज, स्केलिंग में होना चाहिए आपका ड्राइंग वगैरह और रूम साइजेस भी, एक्सप्रेशन, कैरेक्टर ऑफ बिल्डिंग कैसा है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइन में तो एक डिग्री बन जाएगी आपकी, कलर्स, लैंडस्केप आर्किटेक्ट, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए एक आर्किटेक्चर को, एक सिविल इंजीनियर को। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है फॉर्म, यहाँ पर फॉर्म में आते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किटेक्चर में,
प्लानिंग में। इसके दो फॉर्म्स, एक तो कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस यानी कि आपका जो भी शेप ऑफ बिल्डिंग है उसके जो भी डिपेंड ऑन द एलिमेंट यूज विच आर डिजाइन बाय स्ट्रक्चरल इंजीनियर फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम सन रेन विंड एंड अर्थक्वेक। ओके, प्रोटेक्ट करने के लिए आपको फॉर्म बनाए जाते हैं उसके डिसकंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस में आते हैं हमारे प्लेट, सेल्स, डोम्स, कर्व शेप्स, और डिसकंटिन्यूस में आते हैं हमारे बीम्स, कॉलम्स, पोस्ट, पैनल, ट्रसेस। तो ये तो हो गए हमारे स्ट्रक्चरल फॉर्म। ये एस्थेटिक का पूरा दिया है यहाँ पर, ये मैं पूरा पढ़ने वाला नहीं हूँ, आपको शॉर्टकट में बताया यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइज। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइज, क्योंकि आने वाले वीडियोस भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, अगर आपने हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे जो कि आरसीसी डिज़ाइन, ड्राइंग, जो भी बिल्डिंग के रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है, थंब रूल्स है, मैंने वहाँ पर डिस्कस किए गए, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। बहुत सारे थंब रूल्स यानी कि बहुत सारे सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। ओके, अगर हमने हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो गाइस। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर है, सॉफ्टवेयर के लिए रिलेटेड, आपके जॉब के रिलेटेड आज अपडेट मिल देगी वहाँ पर, आपकी स्टडी मटेरियल भी मिलेगी वहाँ पर। आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस, मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, ड्रीम होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपको कोई 3D एलिवेशन चाहिए, 3D प्लान चाहिए, या फिर आपको बिल्डिंग का कोई भी आरसीसी डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी वर्किंग चाहिए, एस्टीमेशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे का कोई भी वर्क हो तो मुझे आप फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, उसके बाद उसका जो कोई भी इंटीरियर वर्क हो आपके घर का या फिर आपके फ्रेंड्स का, तो मुझे फ्रीली आप कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको कोई भी आरसीसी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइस। आप चाहे तो मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरी जो भी कांटेक्ट डिटेल यहाँ पर दी है मैंने। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग माइंडसेट। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर स्टॉक मार्केट। अगर आप ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको शेयर मार्केट में बारे में कुछ भी जानना हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइज। अगर आप अपना शेयर मार्केट में अपना सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाना चाहते हो शेयर मार्केट को, तो आप हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए गाइज, ट्रेडिंग माइंडसेट। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो हमारे लिंक से आप वो डीमैट अकाउंट फ्रीली ओपन कर सकते हो गाइज, जिसका कोई कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेगी और लाइफ टाइम के लिए आपको वो फ्री में मिलेगा गाइज। चाहे तो आप एंजल ब्रोकिंग का कर लो या फिर जीरोधा या फिर अपस्टॉक का कर लो, तीनों ही बेस्ट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है गाइज। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, उस लिंक से आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको हमारा VIP मेंबरशिप मिलेगा ग्रुप का ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए। बस आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे डालना होगा, मैं आपको VIP मेंबरशिप में ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूँगा गाइज। थैंक यू, ज्वाइन करो हमारे चैनल को ट्रेडिंग माइंडसेट, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था वीडियो को एंडिंग तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। आज के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है गाइज, हमारे जो भी बिल्डिंग से ड्राइंग होते हैं उसमें आपको अलग ड्राइंग प्लान के लिए अलग स्केल यूज़ करना पड़ता है गाइज। जैसे कि आपको कौन कौन से ड्राइंग चाहिए तो आपको पता होना चाहिए। आपको प्लान का टॉप व्यू चाहिए, एलिवेशन, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, सेक्शंस, वर्किंग ड्राइंग चाहिए, उसके बाद आपको डोर, विंडोज, स्टेयरकेस, फाउंडेशन का शेड्यूल चाहिए, एरिया स्टेटमेंट चाहिए, कंस्ट्रक्शन नोट प्रोवाइड किए हुए चाहिए ड्राइंग पे,
उसके साथ साथ हाइड्रो आइसोमेट्रिक व्यू चाहिए, ऑब्लिक व्यू चाहिए, प्रोस्पेक्टिव व्यू चाहिए गाइस। ओके, उसके ऊपर से हम जो भी डेटा है मेजर ड्राइंग से वो आज निकाल सकते हो, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन ड्राइंग से इसके ऊपर पूरा डेटा मिल जाएगा आपको, जो भी सेवी विंडोज डुअर शेड्यूल। ओके, आज की जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है गाइज, इसमें हम देखेंगे स्केल। हमारे जो भी लोकेशन प्लान है उसके लिए आपको ज़्यादा स्केल लगेगी, 1:1000 स्केल जाएगी आपको। स्केल के लिए यूनिट नहीं होता गाइज। ओके, आपका जो ग्राउंड पे डिस्टेंस होगा 1 मीटर, तो आपका सेम होगा वो ड्राइंग पे 1 mm। आपने पहले वीडियोस में देखा स्केल इज अपोजिट टू हमारा ग्राउंड डिस्टेंस टू हमारा मैप सीट डिस्टेंस। ओके, साइड प्लान के लिए आपका स्केल चाहिए 1:500, लेआउट प्लान के लिए चाहिए सेम, फ्लोर प्लान के लिए 1:100, सर्विस प्लान सेम, टेरेस पार्किंग प्लान के लिए सेम चाहिए 1:100 का स्केल। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको, अगर आप एक आर्किटेक्चर है, सिविल इंजीनियर है, तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी ड्राइंग पे आपको कौन सा स्केल यूज़ करना है। उसके बाद जो भी हमारा लाइन प्लान है गाइस, वहाँ पर आप वन लाइन प्लान बना सकते हो इसी वे में। आपका 4 मीटर बाय 6 मीटर, लॉबी, WC बाथ, बेडरूम, किचन, स्टेयर केस, लैंडिंग, पार्किंग, वरंडा, ये सब दिखा सकते हो इसमें। ओके, तो लाइन प्लान में आप वन वे में दिखा सकते हो इसी वे में, वॉल की थिकनेस दिखाए बिना भी। तो ये सारी ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद जो भी टाइप्स ऑफ ड्राइंग देखे आपने, यहाँ पर आपको एक कन्वर्जन भी पता होना चाहिए। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियोस बनाए कन्वर्जन फैक्टर के लिए, स्क्वायर मीटर टू मीटर स्क्वायर टू स्क्वायर फीट, क्यूबिक फीट टू क्यूबिक मीटर, एकर, हेक्टर, गुंटाज, ये सारे वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे गाइज। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज, बहुत कुछ वहाँ पर सीखने को मिलेगा आपको। उसके बाद हमारे जो मेन थंब रूल से गाइज, इंटरेस्टिंग फैक्ट है गाइज साइट इंजीनियर के रिलेटेड, डिटेल प्लान एंड एलिवेशन सेक्शन में आपको कौन कौन से डेटा मिलता है। ओके, कौन कौन से पॉइंट पे आपको ध्यान रखना चाहिए, वॉल थिकनेस एंड कॉलम साइजेस, एरिया ऑफ ईच यूनिट एंड साइजेस, नेम ऑफ यूनिट, लोकेशन ऑफ WC बाथ, यूरिनल, सिंक कहाँ पर है, वो आपको पता होना चाहिए एज अ साइट इंजीनियर, जो कि आपको इम्पोर्टेंट है आपके साइट वर्क के लिए। स्टेयर केस के स्टेप्स विथ लैंडिंग विथ अप्स एंड डाउन्स डायरेक्शन, लोकेशन ऑफ डोर्स एंड विंडोज चाहिए आपको पता होना चाहिए, पैसेज, वरंडा, कॉरिडोर, रूफ प्रोजेक्शन, स्लैब प्रोजेक्शन, छज्जा प्रोजेक्शन, वॉल की थिकनेस, फर्नीचर, नॉर्थ डायरेक्शन, टाइटल सेक्शन, स्केल, डिटेल टिपिकल व्यू ऑफ बिल्डिंग प्लान्स। तो ये सारी चीज़ें प्लान एलिवेशन सेक्शन में आती है गाइज। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइज। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो, ओके, सिविल डिज़ाइन करके, वहाँ पर आपको हर एक चीज़ का नॉलेज मिल जाएगा गाइज। सॉफ्टवेयर के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए उसके पहले भी मैंने। उसके बाद जो भी स्टडी के रिगार्डिंग मटेरियल आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको कोई भी ई बुक्स चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो गाइज। ओके, उसके बाद जो भी चीज़ें गाइज वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी गाइज, स्टडी के रिगार्डिंग, आपके जॉब के रिगार्डिंग। अगर आपने वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो गाइज। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो गाइज, ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो इसमें हर एक चीज़ हमने डिस्कस की, आपके RCC डिज़ाइन के रिलेटेड, आपके फाउंडेशन के रिलेटेड, आपके जो भी स्ट्रक्चरल डिटेल्स है, शेड्यूल से, कॉलम, बीम, स्लैब के जो भी डिज़ाइनिंग के स्ट्रक्चर रिलेटेड हमने सब चीज़ें वहाँ पर डिस्कस किए गाइज। आप इंडिपेंडेंटली अपना G+2 स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो इजीली गाइज, हमारे वीडियोस देख के। फिलहाल तो कुछ वर्किंग बाकी है, इसलिए वो वीडियो शेड्यूल है, आपको जल्दी वो वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे गाइज। उसमें हर एक चीज़ आपको मिलेगी गाइज जो कि साइट इंजीनियर के रिलेटेड है।
तो इन सब वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस किया है जो कि एक साइट इंजीनियर को आना चाहिए गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। जल्दी आपके लिए वीडियोस अवेलेबल हो गए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी बुक्स चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए। अगर आप वहाँ से बाय करोगे तो आपको अच्छे ऑफर्स और अच्छे डिस्काउंट मिलेंगे गाइस। अगर आप एक साइट इंजीनियर हो तो आपको मेजरमेंट टेप की ज़रूरत है गाइस, उसकी भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गाइस अच्छे ऑफर और डिस्काउंट के साथ। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको कैलसी चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दिए गाइस, बहुत ही अच्छे ऑफर शुरू है अभी। अगर आपके घर में कोई वाटर पंपिंग का प्रॉब्लम हो तो उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है गाइस, अच्छे रिव्यूज़ है उसके, आप देख सकते हो नीचे मेरे लिंक से बाय करना। हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर। तो गाइस, ये हमारा अपार्टमेंट का प्लान है गाइस। अगर इस पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए गाइस तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइस। इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स तो आने चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर इसका डिटेलिंग चाहिए आपको, आरसीसी डिटेलिंग या फिर बीम के स्लैब के लेवल के डिटेलिंग्स चाहिए आपको, स्टेयर केस के डिटेलिंग चाहिए, इसका आरसीसी वर्किंग ड्राइंग्स चाहिए आपको, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस इसके ऊपर पूरा बिल्डिंग का क्वांटिटी और एस्टीमेट के ऊपर और आरसीसी डिज़ाइन के ऊपर होगा गाइज। थैंक यू गाइज।